नमस्कार दोस्तों, एस के हाउस प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आपके लिए एक इरेगुलर शेप प्लान तैयार किया है। ये हमारे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने प्लॉट का साइज भेजा था, जिसमें 3 साइड अदर प्रॉपर्टी है, बल्कि 4 साइड ही, और एक छोटा सा रास्ता है 8 फिट वाइड। उसका मैंने प्लान बनाया है। आप सभी को मेरा बनाया हुआ प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली प्लान अपलोड होते हैं, इसलिए आप चैनल अब सब्सक्राइब करें। आइए प्लान देखते हैं। ये 131 स्क्वायर फिट का यार्ड का प्लॉट है और इसमें ये साइड 44 फिट है और इधर भी अदर प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें ये साइड 30 फिट है, इधर भी अदर प्रॉपर्टीज हैं और इधर भी 45 फिट वाली साइड और 23 फिट। केवल रास्ते के लिए इसमें केवल 8 फिट वाइड ही रास्ता है यहाँ पर, और यहीं फिर हमने अपना गेट लगाया है। ये 7 फिट 9 इंच वाइड गेट लगाया है यहाँ पर और इसमें अंदर जाने के लिए, और सामने ये रूम है 12 फिट बाई 10 फिट का दिया है। इसमें ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है, और यहाँ से इसके बराबर से ये ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए स्टेयर्स दी हैं 3 फिट वाइड। ये करीब 6 फिट का है यहाँ से, और यहाँ ऊपर जाने के लिए ये बाथरूम बनाया है 5 फिट बाई 4 फिट का, और ये WC है इसके। ये यहाँ से 2 फिट इस जगह छोड़िए, और यहाँ बीच में हमने ये एक जाल दिया है 8 फिट बाई 5 फिट का वेंटिलेशन के लिए, जिस यहाँ पर जिससे रोशनी और हवा आती रहे। और इसी के बराबर में किचन बनाया है 8 फिट बाई 5 फिट 3 इंच का, और इसमें ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है। पीछे ये बेडरूम है हमारा 12 फिट बाई 12 फिट 6 इंच का, और यहाँ विंडो, और ये दूसरा रूम है 12 फिट बाई 12 फिट 6 इंच का, और यहाँ इसमें ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है। और जो हमारे पास ये टेढ़ा स्पेस बच रहा है, इसमें हमने पीछे स्पेस में स्टोर बनाया है, और यहाँ पर भी ये जो जगह बन रही है यहाँ पर हम कवर्ड बना सकते हैं, तो जिससे हमारा कमरा वर्गाकार लगे, सही शेप में लगे। और दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को भी मेरा बनाया हुआ प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।